कंफ्यूजन, क्या करें क्या ना करें, इतने सारे काम करने, फीलिंग स्टक, व्हाट टू डू व्हाट नॉट टू डू, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। प्रैक्टिकल से समझाने की कोशिश करता हूँ ये चीज़ सॉल्व कैसे हो सकती है, ठीक है? इंशाल्लाह अपनी तरफ से बेस्ट कोशिश करूँगा। इफ़ यू कैन सॉल्व योर प्रॉब्लम थ्रू दिस वीडियो, शेयर दिस वीडियो फ्रेंड एंड फैमिली सर्कल वगैरह वगैरह वगैरह। फ़र्ज़ करते हैं कि मुझे बहुत सारे काम करने हैं, ओके, मुझे मोबाइल पे यार वीडियो भी अपलोड करनी है, किसी का इंटरव्यू किया उसको भी शेयर करना है, मुझे अपने बालों का स्टाइल भी थोड़ा चेंज करना है, भाई ने ये लगाए गए थोड़ा, ठीक है, और मुझे ज़रा रूहानी इलाज भी करना है, और मुझे ज़रा कोई मुर्दे कीड़े वगैरह उसके हवाले से लेक्चर भी रिकॉर्ड करना है। अब ये सारे काम मुझे करने हैं। एक बात करता हूँ, दिस इज़ व्हाट आई एम टीचिंग थ्रू एग्जाम्पल, कि सारे काम करने में कन्फ्यूज़ हूँ। कन्फ्यूज़ यही है ना कन्फ्यूजन, आपको बहुत सारे काम करने हैं, आप कन्फ्यूज़ हैं, क्या करूँ समझ नहीं आ रहा। अच्छा, करना तो ये सब कुछ चाह रहा हूँ, लेकिन इधर ये करूँ, एक मिनट वेट होल्ड ऑन, आपके लिए इम्पोर्टेंट काम पहले कौन सा है? किसी का इंटरव्यू डालना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है अभी, इमरजेंसी है? नहीं, ओके, लीव इट। कौन सा काम इम्पोर्टेंट है? मिसाल के तौर पे अभी वो बिल्ली साहिबा यहाँ बैठी हैं, उनको वो बैठ के अपनी शक्ल दिखा रही हैं, मैंने जाके चेक किया खाने वाने को उस हवाले से, तो मैं ये करने आया था, रिकॉर्डिंग मुझे करनी थी, वो सामने दिख गई, मैंने सब कुछ छोड़ा, करना सब कुछ है और करना, मैंने सब कुछ छोड़ा, फौरी गया फोकस, सारा फोकस के पहले उसके लिए मैं देख लूँ जो भी इंतज़ाम होता है, गया सब कुछ करके फौरी तौर पर आ गया। उस आने के दौरान मैंने भी कोई एक दो लुकमे खा लिए खाने वाने के, हैं वो, लेकिन मकसद नहीं छोड़ा, गया था उस वजह से वापस आ गया, मैं काम करके फारिग कर दिया। डिप्रेशन, टेंशन, स्ट्रेस, ये भी बीच में आता है, सोच सोच के सर ओवर थिंकिंग हो गई। अबे भाई ओवर थिंकिंग तो होगी ना, किसने का लट्टू की तरह घूमते रहो, किसने का सोचते रहो करना है, वो तो सोच में सो ही करना होता। अबे भाई करना होता है, करने का मतलब होता है करना, सोचना होता है, हाँ जी क्या क्या करना है, ये करना है, ये सोच लिया, अब उसके बाद करना है ना, आगे की भी तो करो, गाड़ी चलानी है तो चलानी है, भाई निकल गाड़ी चला, बाइक चलानी है निकल, रक्षे में बैठना है पहुँच जा सड़क के ऊपर, है आइसक्रीम खाने का दिल चाह रहा पहुँच जा आइसक्रीम की दुकान पर, आलू के चिप्स खाने का दिल चाह रहा घर से निकल आलू के चिप्स की दुकान पर जा, आलू के चिप्स खाऊंगा, खा ले, फिर पढ़ ले, पढ़ रही मेरी कुछ बात है, दिस इज हाउ यू नीड टू सॉल्व दिस काइंड ऑफ दिस स्ट्रेस ओवर थिंकिंग फलाना दिमाग का। अब आते हैं प्रैक्टिकल, तो भाई मुझे सारे काम करने, ओके यार इंटरव्यू में बाद में डालूंगा, इतना इमरजेंसी नहीं है, एक काम गया लिस्ट साइड पर, करना तो है ना, बाद में देखेंगे, खत्म, रिकॉर्डिंग अभी नहीं करनी, बाद में आगे करूंगा, यहाँ से सिग्नल भी नहीं आएंगे तो बाद में कर लूंगा, ओके, अभी क्या करना है, हाँ ये मैं कर सकता हूँ, फौरन लिया, ये ले भाई सामने दिखा के कर रहा हूँ, ये लो भाई का स्टाइल ही चेंज हो गया अल्हम्दुलिल्लाह, ये भी स्टाइल है अपन का, ओके हो गया चेंज, काम ख़त्म, टेंशन ख़त्म, डिप्रेशन ख़त्म, स्ट्रेस ख़त्म, द वर्क इज डन, कर देना परफेक्ट होने से बेहतर है, मतलब अच्छे तरीके से ही किया मैंने, अगर ये थोड़ी के मुँह उठा के यूँ कर दिया, अब आगे से स्टाइल चेंज करने का तो ये लो भाई, ज़रा वो पप्पू चुम्मी स्टाइल नहीं होता, सी वी यू पर जाके मैं सी वी यू पर नहीं बैठा मारा, तो अब समझा रहा हूँ भाई, प्रैक्टिकल से समझाना पड़ता है ना, ये देख लो हो गया, एक काम से मैं फारिग हूँ, अच्छा इसकी मुझे टेंशन नहीं है, अब क्यों करना था कर चुका, लिस्ट से खारिज, अच्छा बाकी काम भी करने, लेकिन एक काम कर दिया ना, सीखो तुम्हें अपनी लाइफ में काम करने बहुत सारे करने ना, अब भाई करके ख़त्म कर लो, कौन सा काम फौरी करना है हो जाए और कौन सा काम जल्दी हो जाएगा, लेकिन जो काम करना है उस काम को फुल अटेंशन फोकस से करके ख़त्म कर देना जल्दी से। कुछ काम दिनों में होते हैं, हफ्तों में होते हैं, महीनों में होते हैं, तो आप वो भी काम अगर फोकस में करोगे आप देखो कितनी जल्दी मुकम्मल होते हैं, पेंडिंग करो तो ये पेंडिंग पड़े पड़े दिन निकल जाएगा सोच के, ओवर थिंकिंग, अच्छा ओवर थिंकिंग होगी, दिमाग पे स्ट्रेस आएगा, सर पे बोझ फील होगा, दर्द फील होगा, फिर वो फिजिकल बॉडी तक में जाके बहुत सारी चीज़ें हो जाती हैं, मैदे का ये मसला वो मसला फलाना दिमाग का, भाई ज़्यादातर मेंटल हेल्थ से ही आते हैं, बता रहा हूँ मैं एक्सपीरियंस भाई का, ओके, तो रूहानी इलाज करना है कर लेंगे, अभी ज़रूरत नहीं है, अभी कौन है कि बिल्ली का इलाज करूँ, वो तो ठीक ठाक है, ख़त्म बात, मुर्दे के हवाले से रिकॉर्डिंग कर चुका हूँ, पहले ही कर ली रिकॉर्डिंग, जैसी नज़र पड़ी कुछ भाई साहब की जो है ना गर्दन टूट के अलग हो गई है, इनका मैंने रिकॉर्डिंग की है अपने रिलीजियस चैनल के लिए, देख रहा हूँ तो रिलीजियस चैनल है मेरा, लेजेंड मोहम्मद ज़िशान अरशद,
वहाँ जाके देख लेना मेरे लेक्चर्स, और हेल्प करेगा वो चैनल अगर अल्लाह के हवाले से शक व शुबात हो, इस्लाम के हवाले से शक व शुबात हो। वो चैनल पे मैं ज़्यादातर रिलीजियस वर्क करता हूँ एंड आई एम वेरी डिफरेंट रूप पर्सन ऑन दिस चैनल, ऑन दैट चैनल। ज़्यादा डरने की ज़रूरत नहीं है। तो ये मुर्दों की कलेक्शन है, तो ये सब रखे मैं, करना था रिकॉर्डिंग करके फारिग कर दिया। एक काम हो गया फारिग, एक काम हो गया फारिग, ए लैपटॉप पे और अपने टाइम पे जाके इसको पेंडिंग में ये थोड़ा सा, क्यों, क्योंकि किसका इंटरव्यू किया अभी, कुछ स्टफ़ वगैरह चाहिए व्हाट्सएप वगैरह पे, वो साहिबा मुझे देंगी तो फिर इंशाल्लाह वो मेरे लेजेंडरी फ्रीलांसर चैनल पे आ जाएगा बिजनेस वाला। तो ख़त्म होगी बात, ये तब होगा, ये पेंडिंग में किसी और के साथ अटैच है, अगर मिल गया तो ठीक है, नहीं भी मिला तो फिर देखेंगे अपने। इस पर मैंने कोई वीडियो बनानी है अभी तो फिलहाल कोई बनानी नहीं है, देखेंगे हाई क्वालिटी वीडियो के लिए अलग से स्पेशल फॉर्मेट में आने के लिए। तो भाई ये स्पेशल जी मुराद क्वालिटी ज़रा भाई की अच्छी हो जाती है उसमें, अल्हम्दुलिल्लाह ज़रा खूबसूरत लगता हूँ मैं उसमें, ज़्यादा खुद को लग तो इसमें भी रहा हूँ वैसे, बाय द वे लग रहा हूँ नहीं लग रहा, एनीवे। सो भाई बचा गया, बस हो गया लेक्चर कंप्लीट। अभी अगर फ़र्ज करो कि मैं अपना साथ में रूहानी इलाज का मंजन भी ले आता, मंजन कहते हैं ना रूहानी टोपी ड्रामा इलाज को, वैसे तो मैंने उसकी इस काम के वजह से बड़ी बजाई भी है लोगों की जो डिसबिलीवर है, लेकिन बता रहा हूँ लो जी अब मैं अपनी रूहानी पत्तियाँ लाता और उसको भी जला लेता साथ में, वो धुआं भी चल रहा होता मेरा रूहानी इलाज के हवाले से, ट्रीटमेंट वगैरह फ़ायदे होते हैं सर का, टेंशन डिप्रेशन टेंशन और वो शैतानी असरात, काला जादू, नीला पीला जादू, जिन्नात जिसम में अगर घुस जाए या कुछ हो, वो उन चीज़ों की मावेने कर देता है, क्लियर कट कदम खलास। तो भाई लोग बहुत सारे स्किल्स के साथ अल्लाह के फजल से सिखाते हैं एग्जाम्पल के साथ। चैनल सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो, घंटा फर्क नहीं पड़ता, ठीक है, इसलिए सीधी बात करता हूँ, लाइफ में आगे बढ़ना है, अनअपोलोजेटिक बन जाओ। अनअपोलोजेटिक समझते हो क्या है? लोग तुम्हारे बारे में क्या कह रहे हैं ऐसी की तैसी में गई, कोई कमेंट पे गालियाँ दे रहा है देने दो साले को, कोई तारीफें कर रहा है करने दो साले को, ठीक है, थैंक यू करना है किसी को कर दो, परवाह नहीं करने का, क्योंकि लाइफ में आगे निकलने का। वरना सच सच बात बताऊँ, ए जो एलिट क्लास हाई लेवल फाई लेवल किस्म के लोग जो है ना, हाँ हाँ जिनके पास बड़े रिसोर्सेज हैं, पैसा है, दौलत है, हर चीज़ है, वो इस्तेमाल कर करके लाइफ में बहुत आगे निकल जाते हैं। अरे साला गरीब का बच्चा मिडिल क्लास पीछे ही बैठा रह जाता है, सोचता ही रहता है कि आप उनके पास वसाइल नहीं है, आप उनके पास वसाइल क्यों नहीं है, आप उनके पास टीचर है ना, अल्हम्दुलिल्लाह सिखा रहा हूँ ना, बता रहा हूँ, पिछला कॉन्टेंट भी देख लो और आगे आगे देखो, इंशाल्लाह अल्लाह के फजल से होता है क्या, फिर भाई लोग आगे निकलेगा, गरीब का बच्चा भी आगे निकलेगा, सीखेगा पैसा कैसे कमाने का, बिजनेस कैसे करने का, और स्किल कैसे सीखने का, कन्फ्यूजन कैसे सॉल्व करने का, है जाना किधर है, और ये बड़े बड़े हाई प्रोफाइल लोग करते क्या हैं, हैं कैसे कमाते हैं आखिर ये लोग, और ये क्या कहते हैं टोपी मंजर बेचने वाले जो रेटिंग के चक्कर में, व्यूज़ के चक्कर में वीडियो बनाते हैं, ये क्या क्या ड्रामे खेलते हैं, कैसे बेवकूफ़ बनाते हैं, और कैसे इनके अंदर भी बड़े बड़े मशहूर मशहूर किस्म के कैसे अधूरी इन्फॉर्मेशन देते हैं, अगले का टाइम बर्बाद करते हैं, कहते हैं ये चीज़ फ्री में मिल रही है, वहाँ पर जाके साइनअप कर लो, साइनअप करो तो पता लगता है वहाँ की, यहाँ साइनअप के बाद वो फ्री भी नहीं होती, पैसे ही लगे हुए होते हैं आगे, लेकिन वो अपनी रेटिंग के चक्कर में बड़े नरम मिजाज बन के, भोले वाले बन के, अखलाक का भाषण देते हुए जैसे बड़े आजिज किस्म के हैं, ठीक है आजिजी ये उनमें, लेकिन टोपी ड्रामा उनका भी मैंने नोट किया है, मैं नहीं बता रहा कौन है क्या है, वो फिर वो गीबत में आ जाता है, ठीक है, लेकिन मैं ये बताऊँगा ड्रामेबाजियाँ होती क्या क्या है, इंशाल्लाह आगे आके देखो होता है क्या। अभी तो मैं बहुत सारी फील्ड के तजुर्बे लेके बैठ गया हूँ, अब मैं जो है ना अपनी बैठक, एक मार्शल आर्टिस्ट होता है ना टीचर, मेरे कपड़े गंदे ना हो जाए यार, सो समझे या नहीं समझे, अभी भी नहीं समझे, दुनिया के अंदर लोगों की मेजॉरिटी और अक्सरियत गुमराही पर है, अल्लाह झूठ नहीं बोलता कुरान में, लोगों की अक्सरियत गुमराही पर है, लोगों की अक्सरियत क्या है कुरान में, अक्सर कलब सर्च करो, ऐप इंस्टॉल करो या Quran.com पे जाओ, लिखो अक्सर या मेजॉरिटी, तुम्हें मिलेंगे बहुत सारी आयात मिलेंगी, उनको स्टडी करो, देन यू विल नो साला इस वर्ल्ड के अंदर लोगों की परवाह नहीं करने का, क्योंकि लोग तुम्हारी परवाह नहीं करते। अच्छा फिर मैं वीडियो क्यों बना रहा हूँ, अबे मैं क्यों परवाह कर रहा हूँ, नहीं अब अच्छे काम तो करने हैं ना, मैं इस दुनिया से जब इंशाल्लाह कभी जाऊँगा, ठीक है अभी तो मुझे जाने का वैसे कोई शौक नहीं है, बहुत सारे काम करने हैं, लेकिन एक बात करता हूँ कि जब मैं जाऊँ तो भाई अपना कर मतलब क्या करूँगा, जन्नत में भी बैठ के मैंने इंजॉय करना है, हवाएं लेनी है बैठ के, अभी यहाँ पे भी बैठा हुआ इंजॉय कर रहा हूँ, ठंडी हवाएं ले रहा हूँ अल्लाह के फजल से, वहाँ भी बैठा ही रहना है मैंने,
जब बैठा रहूं तो मेरा नुकसान क्या है, किसी को कुछ बता देने में, सिखा देने में, शेयर कर देने में, आगे बढ़ा देने में, रास्ता दिखा देने में, है अनलॉक कर देने में उसका माइंडसेट, खौफ खत्म कर देने में, एम्पावर कर देने में। अबे बिलीवरी को तो करना है ना, अल्लाह के मानने वाले जो है ना, गैर मुस्लिम वो पढ़ा है ना भाई का रिलीजियस चैनल, जब वो कलमा पढ़ेंगे तो वो फिर दिशान अरशद को भी देख लेंगे, दिशान अरशद है कौन, क्या चीज़ है, कौन सी बला है ये, किसवीं सदी में, अल्लाह के बदल से। लेकिन वैसे बाय द वे मैं अभी भी स्टूडेंट ही हूँ, मैं सीखता हूँ एक्सपर्ट दूसरे एक्सपर्ट से सीखता हूँ, और जो सीखता हूँ उनमें तजुर्बात वगैरह करके जो मुझे समझ में आता है फिर मैं आगे से आगे सिखा भी देता हूँ, शेयर भी कर देता हूँ। अभी भी भाई का बहुत कंटेंट पड़ा हुआ है, अभी तो बहुत सारा डाला ही नहीं है, कौन अब इतने सारे काम करने पड़ते हैं भाई, क्या करें। अल्लाह अल्लाह खैर सल्ला, अपना ख्याल रखना। मैं तो निशान अरशद, लेजेंडरी फ्लांसर ऑफ पाकिस्तान, बाद मर्सी ऑफ अल्लाह, बंदे को अपनी वर्थ और वैल्यू भी पता होनी चाहिए, वरना किसी को घंटा फर्क नहीं पड़ता, अपना झंडा खुद ही गाड़ना पड़ता है और क्लेम करना पड़ता है पोजिशन को, दिस इज़ वट आई एम, ओके, इफ़ यू डोंट बिलीव हु द हेल केयर, गो इन योर लाइफ, अल्लाह अकबर। डिसाइड कर लेना अभी क्या करना है वीडियो देखते ही, और वो मल्टीपल काम जो पड़े हैं कट कट करके ख़त्म करो लाइफ में, छोटे छोटे काम है तो वो छोटे तो फ़ौरन कर लो ताकि लिस्ट से निकल जाए। हर रोज़ कुछ ना कुछ करना ही है, उठते ही बिस्तर के ऊपर से पहले कंबल समेट लेना, चादर समेट लेना, ठीक है, कपड़े वपड़े जो बिखरे हुए हैं समय वो भी सफाई कर लेना, वो बर्तन वर्तन बिखरे हुए ना किचन में नहीं रखे, अम्मा से अम्मा को उठाने पड़ते हैं, जाए को उठा के रख देना और खुद ही धो के रख देना, अम्मा को तरह तसल्ली होगी, कोई रिलैक्स फील करेंगी, थक जाते हैं माँ बाप, बूढ़े हो जाते हैं, हड्डियाँ उनकी ख़त्म कमज़ोर हो जाती हैं, मेहनत कर करके पक गए हम साले जवान ढींगड़ किस्म के, हड्डियाँ मजबूत, ये मजबूत, और माँ बाप के ऊपर फिर भी बोझ, बोझ हल्का करो धरती पे भी और माँ बाप पे भी, अपनी जिम्मेदारी लेना शुरू करो, बिजनेस करो, सर्विसेज दो, पैसा कमाओ, माँ बाप को सहूलत दो, उनके साथ अच्छा सलूक करो ताकि तुम्हारी औलाद तुम्हारे साथ भी अच्छा सलूक करे, क्योंकि जो दोगे जैसा करोगे वैसा ही लौट के आ जाएगा, बल्कि मल्टीप्लायर के साथ लग के आएगा। अब किसी के साथ वाट लगाओगे तो डबल नहीं ट्रिपल नहीं कई मल्टीप्लायर के साथ वाट लग सकती है, बट कोई बुरा करता है उसके साथ ना बदला उतना हो जाता है, लेकिन नेकी करने वाले के साथ मल्टीप्लायर के साथ नेकी आती है, एक करोगे 10 गुना, 10-20 गुना, 100 गुना, 200 गुना, 700 गुना, वहाँ तो मिलता ही है। लोग कहते हैं ना आखिरत में बड़ा मिलेगा अजर, अबे दुनिया में ही मिलना शुरू हो जाता है, आखिरत में तो और मिलता है, दुनिया में ही मिलता है। और असल बात बताओ, ये पूरी दुनिया के अंदर जो रिसोर्सेज है ना, ये मुसलमानों को तो इससे फ़ायदा उठाना ही उठाना है, डेफिनेटली पीछे नहीं रहना किसी गैर मुस्लिम से, लेकिन यहाँ पर अल्लाह ने पाबंदी नहीं रखी गैर मुस्लिमों पर, तो शेयर्ड है, जैसे वेब होस्टिंग होती है ना, शेयर्ड होस्टिंग होती है, डेडिकेटेड होस्टिंग होती है, आफ्टर लाइफ में डेडिकेटेड जन्नत है और डेडिकेटेड दोजख है, और डेडिकेटेड दोजख के अंदर डेडिकेटेड गैर मुस्लिम, डेडिकेटेड नहीं सारे गैर मुस्लिम आ जाएंगे, और डेडिकेटेड जो जन्नत है ना वहाँ सिर्फ बिलीवर्स जाएंगे, सो दैट इज़ वेरी डिफरेंट। और यहाँ पर है शेयर्ड होस्टिंग, तो शेयर्ड लाइफ है, शेयर्ड अर्थ है, यहाँ के रिसोर्सेज जो मर्जी खाए जो मर्जी पिए लिमिटेड लेवल तक, इसलिए अल्लाह हर जगह आके इंटरफेयर नहीं करता, किसी ने किसी को थप्पड़ मार दिया मार देगा, अल्लाह आगे हाथ नहीं रोकता। आपके कोई घर पे पड़ा हुआ है बैठा हुआ है, बिजनेस नहीं हो रहा, नहीं हो रहा, नहीं हो रहा, जाके बिजनेस कर, गाड़ी बाहर खड़ी हुई है, बाइक बाहर खड़ी है, बाइक नहीं चल रही, नहीं चल रही, नहीं चल रही, भाई तू उठेगा बाइक चलाएगा तो चलेगी ना, सीधा सीधा फलसफा है, फिजिकल वर्ल्ड है, फिजिकल काम तो करने पड़ेंगे भाई। अब फिजिकल के अंदर स्पिरिचुअल पावर कहीं से आती है, वो अल्लाह सपोर्ट करेगा ना, फिर मेक दुआ, ओके मेक दुआ, हो गई दुआ, या अल्लाह जॉब पे जा रहा हूँ इंटरव्यू देना है प्लीज़ हेल्प मी, अब निकलो इंटरव्यू देने जाओ, फिजिकल काम सारा कुछ कर करके वापस आ जाओ, या फिर पहले देकर आ जाओ और आने के बाद दुआ करो, या अल्लाह अपना एफर्ट सारा दे दिया है, ठीक है आपके भरोसे पर रहते हुए सारा करके आ गया हूँ, आगे मामला संभाल लेना, अगर मेरे हक में बेहतर है तो आगे बढ़ा दे, नहीं तो यहीं से ड्रॉप मार दे, फिर अल्लाह देखो कैसी मशीयत पलटता है, कैसे हालात पलटता है, वो बाकी उसके भी तो काम है ना कुछ, अपने हिस्से का काम करना है, फिर खेत उगने का इंतज़ार करना है, पीछे बैठ के खेत कैसे उगेगा दीवारों के अंदर से, अभी तो ये मरावा जो है ना, ये इसकी गर्दन टूट गई है, ये जिंदा नहीं हो सकता, वैसे इसके लिए भी एफर्ट मारने पड़ेंगे, दुआ करनी पड़ेगी, हो सकता है अल्लाह इसको भी जिंदा कर दे मेरी आंखों के सामने, मुझे नहीं पता, एक बात कर रहा हूँ, लेकिन कानून ये नहीं है, मौजजा वो करते अलग बात है, उम्मीद तो है, उम्मीद तो करता हूँ कि अल्लाह कुछ दिखा दें, इसमें भी दिखा दें, गर्दन जोड़ के दिखा दें, एक नया मुशाहिदा हो जाए, वैसे ही बड़े मुशाहिदे कर लिए हैं अल्लाह के फजल से, मुर्दे भी जिंदा होते हुए देख लिए अब तो मैंने अपनी आंखों से, बट दिस इज़ समथिंग वेरी अमेजिंग ना, मेरा दिल के अंदर है तो सही, आगे देखो बादशाह सलामत फैसला क्या करते हैं, इंतज़ार तो है, लेकिन आप अपनी लाइफ में निकलो, हम अपनी लाइफ में निकलते हैं, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।